अच्छा अगला क्या था, अ पर्सन डिवाइडेड अ सम ऑफ रुपीज 17,200 इंटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो मैं ऐसा ऐसा देख लेता हूँ, अगर 17,200 को हमने थ्री पार्ट्स में बांटा, तो सपोज फर्स्ट पार्ट x है, सेकेंड पार्ट y है और तीसरा पार्ट है z, ओके। और फर्स्ट पार्ट में का जो रेट है, दिस रेट इज नथिंग बट 5%, सेकेंड पार्ट में रेट इज 6%, थर्ड पार्ट में रेट इज 9%। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है एट द एंड ऑफ टू ईयर्स, तो टाइम टू ईयर्स का दिया है सभी में, टू ईयर्स एट द एंड ऑफ टू ईयर्स ही गॉट द सेम इंटरेस्ट। तो तीनों के केसेस में इंटरेस्ट निकालते हैं, ओके। लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ऑल द थ्री केसेस। सो इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में जो मेरा एस आई आ जाएगा, एस आई विल बी इज इक्वल टू एस आई वन लिख लेता हूँ, पी आर टी अपॉन 100, पी इज प्रिंसिपल इज एक्स, आर इज 5, इंटू टी इज 2 अपॉन 100, सेकेंड पार्ट एस आई टू विल बी गोइंग टू बी वाई इंटू 6, आर रेट 6% है, टाइम तो 2 ही है ऑल इन ऑल केसेस, एंड एस आई 3 विल बी जेड इंटू 9% इंटू 2 अपॉन 100, ओके। तो ये जो तीनों इंटरेस्ट आए हैं आपके, ये तीनों सेम हैं। उसके अलावा क्योंकि 17,200 को हम लोगों ने एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिया है, तो इसके अलावा एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूँगा, सो इट विल गोइंग टू गिव मी 17,200। बस अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वेट ऑल द इंटरेस्ट, एज यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट एस आई वन इज इक्वल टू एस आई टू इज इक्वल टू एस आई थ्री। सो एक्स इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू वाई इंटू व्हाट इज गिवन, वाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू जेड इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 100, आई थिंक 9% ना, यस। नाउ व्हाट यू कैन डू, नाउ व्हाट विल हैपन, 100 will get cancel, z 2 will get cancel, so it will come 5x is equal to 6y is equal to 9z, okay। तो अब हम इसको रेशियो की तरह कर सकते हैं, now we can do it by means of ratio। ओके, सो रेशियो लेने के लिए आप चाहो तो बहुत बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बेसिक कराऊंगा। आप चाहो तो 5, 6 और 9 का एलसीएम निकाल सकते हो। 5, 6 और 9 का एलसीएम विल एलसीएम निकालने के बाद, ओके, एलसीएम निकालने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड इट बाय इट्स एलसीएम और आप देख सकते हो कि कितने टाइम्स जा रहा है, दैट विल बी द रेशियो, ओके। या आप और आप क्या कर सकते हो, सी आप पहले दो को कंपेयर करो, 5x = 6y, ओके, 5x = 6y, तो यहाँ से x अपॉन y कितना आ जाएगा, x अपॉन y विल बी 6/5, ओके। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करो, 6y = 9z, ओके, और यहाँ से y अपॉन z कितना आ जाएगा, y अपॉन z विल बी इक्वल टू 9/6, 3 3 = 9, 3 2 = 3/2। तो अब आप यहाँ को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज टू वाई इज गिवन टू यू 6:5 एंड वाई इज टू जेड इज गिवन टू यू 3:2, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो इसका 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, इसके 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो एक्स इज टू वाई कितना जाएगा, एक्स इज टू वाई विल बी गोइंग टू बी 18:15 और वाई इज टू जेड विल बी गोइंग टू बी 15:10। बस 15:15 सेम हो गया, सो एक्स इज टू वाई इज टू जेड विल गोइंग टू बी हाउ मच, इट विल गोइंग टू बी 18:15:10। बस अब आप कॉमन मल्टीपल ले लीजिए एंड डोंट टेक एक्स दिस टाइम द कॉमन मल्टीपल, ओके। रोनित तिवारी व्हाट हैपेंड, डोंट टेक, अब
अब कॉमन मल्टीपल एक्स ना लेते हुए आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो, मैं लेता हूं लेट लेट कॉमन मल्टीपल बी बी ए, ए कॉमन मल्टीपल ले लीजिए। इफ यू ए कॉमन मल्टीपल ना, सो एक्स विल बी गोइंग टू बी, एक्स विल बी 18 ए, ओके, वाई विल बी 15 ए, 10 ए, ओके। तो इनको ऐड करके जो कंडीशन थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17200, यहां से यू विल गेट, ओके। अब इसको मैं रब कर लेता हूँ, लेट मी रब दिस नाउ, ठीक है, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, लेट मी रब दिस। ओके, तो यहां से वी गोइंग टू गेट व्हाट द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ए आ जाएगा तो फिर आपका एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, एंड एंड आपको क्या निकालना है, व्हाट इज 9%। एट 9% का मतलब है 9% के केस में जेड आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट जेड। ओके, सो नाउ इफ यू विल ऐड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट विल गोइंग टू गिव यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 17200। सो 18 ए प्लस 15 ए, 18 ए प्लस 15 ए इज नथिंग बट 33, ओके, प्लस 10 ए इज इक्वल टू 17200, सो इट विल गोइंग टू कम 43 ए, 43 ए इज इक्वल टू 17200, और ए विल गोइंग टू कम 43 फोर जा, ए विल गोइंग टू कम 400, ओके, ए 400 आ गया, तो हमें जेड निकालना है, जेड कितना है, जेड की वैल्यू इज 10 ए, सो जेड विल बी इक्वल टू 10 इंटू ए, 10 इंटू 400 विल गोइंग टू गिव यू 4000, ठीक है। तो कितना सम हमने इन्वेस्ट किया एट 9% रेट, वट मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 9% रेट, 4000, वेरी सिंपल। अच्छा, थैंक यू सो मच दोज आर विशिंग मी 8.2K सब्सक्राइबर्स के लिए जो विश कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैथरा देसाई, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके ओके, रौनित तिवारी इज टेलिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ राजस्थान। चलो, अभी सारे स्टेट्स का यही हाल है, ठीक है, बेसिकली वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड ऑल। तो ये समझ में आया? ओके okay. अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जो हम लोगों ने ये 18:15:10 लिया, सो इट्स अ लिटिल लेंथी प्रोसेस, मैं आपको बता रहा हूँ इसको, मैं एक बार इन शॉर्ट आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ओके okay? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आई एम रबिंग दिस, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, आप पॉज करके बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन आई एम रबिंग दिस, वाई आई एम रबिंग दिस, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल टू फाइंड, अगर कभी भी 5x = 6 इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन आया, सो वट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का कभी भी एक्सप्रेशन आएगा ना, तो आप क्या करिए, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम किसका, 5, 6 और 9 का। ओके, 5, 6 और 9 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, इट विल गोइंग टू गिव यू 90। ओके, 90 विल बी द एलसीएम, ठीक है, आप 5, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से ये तो 5 ही रहेगा, 3, 2 से 6, 3, 3 से 9, और फिर 5 से 5, फिर 6 से 6, ठीक है, सो 90 विल बी द एलसीएम। ओके, 90 विल बी द एलसीएम। तो अब सी हियर, जब 90 एलसीएम आएगा तो 5 हाउ मेनी टाइम्स सीधा आ सकता है आपका रेशियो, में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 90। ओके, तो इफ यू विल डू अपॉन 90, सपोज इफ यू विल डू अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90, इफ यू गोइंग टू कैंसिल इट, 5 हाउ मेनी टाइम्स, 90, 5 18 टाइम्स, तो 18:6 हाउ मेनी टाइम्स, 90, 6 15 टाइम्स,
ओके सो 15:9 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स. सो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज नथिंग बट 18:15:10. ओके एलसीएम निकाल के डायरेक्टली. तो ये ज़्यादा शॉर्टकट है, ज़्यादा ईजी है पहले वाले से, लेकिन पहला वाला भी आपको आना चाहिए. तो फिर आप बोलोगे लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, और यहाँ से फिर आपका एक्स विल बी इज इक्वल टू 18a, y इज इक्वल टू 15a और z इज इक्वल टू 10a. ओके सो आई होप कि आपको ये भी तरीका समझ में आया हो.